हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या। स्वागत है आपका सेल की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं ठंड के लिए स्पेशल खीर, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध, ये गर्म किया हुआ दूध है, अभी ठंडा हो गया है। और यहाँ मैंने लिया है चावल, ये एकदम बारीक वाला चावल है, इसे मैंने पानी में डाल दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो हमें चावल को पानी में आधे घंटे के लिए डाल देना है। तो ये देखिए चावल हमारा लगभग फूल गया है, ये बारीक वाला चावल है जो खीर के लिए आता है। और यहाँ मैंने लिया है गुड़, तो इसी कटोरी से मैंने चावल लिया था और सेम उसी कटोरी में मैंने गुड़ लिया हुआ है। यहाँ मैंने लिया है काजू, किशमिश और इलायची, तो इलायची को मैंने दरदरा कूट लिया है। तो सबसे पहले हम गुड़ को मैट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बर्तन चढ़ा दिया, अब इसमें डालेंगे गुड़ और इसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी डालेंगे और गुड़ को अच्छे से हम घुलने देंगे। तो ठंड में आप खीर गुड़ की बनाएं फ्रेंड्स, आपको पता होगा गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स आयरन होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया, इसे हम चम्मच से ऐसे चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से घुल जाए। तो चलाना ना छोड़ें नहीं तो गुड़ नीचे चिपक जाएगा। तो पहले इसे घुल जाने दें अच्छे से, और घुलने के बाद इसे हमें 10 मिनट उबालना है ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए और गुड़ का कच्चापन ना रहे। हम खीर में डालें तो हमें गुड़ का स्वाद खराब ना लगे, तो इसे हमें 10 से 15 मिनट उबालना है। तो इसे उबलने देते हैं अच्छे से, इसके बाद इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और उसके बाद हम दूध चढ़ाएंगे, तो दूध को फिर अच्छे से गर्म करना है हमें। तो ये आप देख रहे होंगे गुड़ में एकदम उबाल आ रहा है, इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे हमें अच्छे से उबालना है। तो गुड़ हमारा अच्छे से उबल रहा है और 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसे उबालते हुए, आप देख रहे होंगे। अब यहाँ हम गैस को कम कर देंगे और इसे हम उतार के एक साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये खीर बहुत टेस्टी बनती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। गुड़ की खीर आप देखे होंगे छठ में बनता है, ये छठ का मुख्य प्रसाद है, उसमें गुड़ का ही खीर बनता है। तो यहाँ मैंने दूध को चढ़ा दिया और दूध को हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि दूध उफन के बाहर न गिरे। अब इसमें चावल को हम डाल देंगे पानी से निकाल के, तो पूरा चावल हमें अच्छे से डाल देना है, ये न कि आधा अधूरा डालें, पूरा अच्छे से डाल दें इसे। और चावल डालने के बाद में गैस को हमें मीडियम कर देना है और इसे चलाते रहना है। तो यहाँ चावल मैंने डाल दिया, अभी इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, बस हमने दूध में चावल डाला हुआ है और इस तरह से हमें इसे चलाते रहना है। बीच बीच में आप लगातार ना भी चलाएं, लेकिन इसे बीच बीच में चलाते रहें। खीर में मलाई पड़ने नहीं देना है हमें, नहीं तो वो फिर ख़राब सी लगती है देखने में। तो इस तरह से बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए मैं बीच बीच में इसे चला रही हूँ, और चावल को हम अच्छे से दूध में पक जाने देंगे पहले। और एक साइड हमारा जो गुड़ हमने उबाला हुआ है वो ठंडा हो रहा है, तो हमें ठंडा ही डालना है। तो यहाँ मैं इसे चला रही हूँ, आप बीच में दूसरा काम भी कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में चलाते रहें, ध्यान रखें चलाना ना छोड़ें। ये खीर बनाना बहुत इजी है फ्रेंड्स, और ये जितना बनाने में इजी है उतना ही ये टेस्टी बनता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। ठंड में आप ज़रूर बनाएं गुड़ की खीर। तो ये देखिए पहले से हमारा खीर जो है वो गाढ़ा हो चुका है, तो अब यहाँ डाल देंगे हम काजू। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, आपको जैसे बादाम पसंद हो तो आप वो डाल दें, पिस्ता डाल दें। तो काजू मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैंने बचाया है आखिरी में डालने के लिए। इलायची मैंने डाल दिया, इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे किशमिश, और किशमिश डालने के बाद इसे हमें अभी और गाढ़ा करना है। चावल हमारा पक गया है लेकिन हमें अभी इसे गाढ़ा करना है। और तो मैं ऐसे चला रही हूँ इसे, जब ये गाढ़ा हो जाए उस समय आपको चलाते रहना है ताकि नीचे से जले नहीं। अब किशमिश को डाल देते हैं, तो किशमिश को मैंने कट नहीं किया है, ऐसे ही मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया, अब इसे ऐसे चलाते रहेंगे। तो खीर को हम गाढ़ा हो जाने देते हैं अच्छे से। ये खीर दाल पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में, गुड़ वाली खीर। गुड़ आप जब खरीदें तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ एकदम काला सा ना लें, एक गुड़ साफ आता है, एकदम साफ रहता है।
और एक काला टाइप से आता है, तो आप खीर के लिए लें तो साफ ही लें। तो ये देखिए एकदम खीर हमारा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो गुड़ हमने उबाल के रखा है, तो खीर को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, उसके बाद डालें। तो खीर को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, एकदम गरम गरम मैं नहीं डाल रही हूँ। तो खीर भी जब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, तब हम चाय छन्नी से इसे छान के डालेंगे, ताकि गुड़ में जो भी कचरा हो तो वो खीर में ना जाए। तो ये देखिए, तो आप एक बात का ध्यान रखें, जिस चीज़ से आप चावल लें उसी से नाप के गुड़ लें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो, अगर आपको लगता है कि थोड़ा फीका है, तो आप थोड़ा सा गुड़ को और उबाल के मिक्स कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा गुड़ डाल दिया, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी गुड़ वाली ठंड की खीर बनकर तैयार हो गई। आप देख रहे होंगे ये देखने में कितनी अच्छी दिख रही है। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, बस गरम गरम में ना डालें, क्योंकि थोड़ा फटने का डर रहता है खीर का, इसलिए खीर को गैस से उतार लें और थोड़ा नॉर्मल होने दें और गुड़ ठंडा कर लें। उसके बाद जो गुड़ को उबालें उसको ठंडा कर लें, तब आप डालें तो खीर आपकी कभी नहीं फटेगी। तो अब हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने दो बाउल लिया है, इसमें निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। एक एक में मैंने निकाल लिया, दूसरे में भी निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम काजू डाल देंगे, आप चाहें तो नारियल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी खीर बनकर तैयार हो गई फ्रेंड्स, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए मैं ऊपर से थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, अब ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। रात का समय है फ्रेंड्स, मैं रात में ही बना रही हूँ। तो ये देखिए ये बनकर हमारा तैयार हो गया। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, आप पूड़ी के साथ पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो में।